Hello, good morning students. Today we are going to read a poem and topic is Jungle Parade. Jungle forest होता है and parade means जब हम किसी एक लाइन में step by step किसी को follow करते हुए आगे चलते हैं तो उसको बोला जाता है parade. आप इसको जुलूस भी बोल सकते हैं. Then Jungle Parade के बारे में आज हम ये poem पढ़ेंगे. In this poem there was a parade of animals of the forest. इस पोयम में एक जंगल है और उस जंगल में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब उनकी एक परेड निकल रही थी. दे कम फॉर द शो, वो किसी शो को देखने के लिए आए थे. बट मंकी हैड टू गो टू सी द गोरिल्ला, लेकिन जो मंकी था उसको कहीं और जाना था, वो उसको गोरिल्ला को देखने जाना था. लेट अस रीड, चलिए अब पढ़ते हैं. First came the tigers, then the lions and the bears, eager to see the roosters, the cockatoos and hares. तो सबसे पहले जब शो शुरू होता है उसको देखने के लिए जंगल में कौन आता है? सबसे पहले टाइगर्स आते हैं. आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं ये एक परेड हो रही है जंगल में. सभी एनिमल्स जंगल में आ रहे हैं वन बाय वन स्टेप से, और सबसे पहले कौन है आगे? टाइगर्स. तो यहाँ पर पोयम में सबसे पहले बताया गया है कि सबसे पहले टाइगर्स आते हैं, उसके बाद लॉयंस. लॉयंस आप देख रहे हैं टाइगर के पीछे लॉयंस है, उसके बाद बियर्स. बियर्स मीन्स भालू होता है. तो इस तरीके से वो सब एक लाइन में परेड से उस शो को देखने के लिए आ रहे हैं. ईगर टू सी द रूस्टर्स, द कॉकेटोज एंड हेयर्स. रूस्टर्स होता है मुर्गा. आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ये रूस्टर्स है, ये मुर्गा है. ये भी बहुत उत्सुक है उस शो को देखने के लिए, वो भी साथ में जा रहा है. हेयर्स, हेयर्स मीन्स होता है खरगोश, और कॉकेटोज होता है एक प्रकार का पक्षी जो दिखने में तोते जैसा होता है. देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में ये देख रहे हैं, ये देखने में तोते जैसा है लेकिन ये पैरट नहीं है, इसको बोलते हैं कॉकेटोज. और साथ में कौन है? हेयर्स. हेयर मीन्स खरगोश, वो भी इस परेड में सभी एनिमल के साथ उस शो को देखने के लिए आए हैं. उसके बाद कौन आया है? राइनो. राइनो आप यहाँ पर देख रहे हैं. बियर्स के बाद कौन आया है? राइनो. राइनो मीन्स गेंडा. और उसके बाद कौन आता है? कैमल. कैमल की जो आप ये पीठ देख रहे हो ऊपर को निकली हुई, इसे बोलते हैं हम. तो कैमल भी आया है. द फॉक्सेस एंड द जैकल्स एंड द एलिफेंट विद हिज ट्रंक. और कौन आया है साथ में? फॉक्सेस, लोमड़ी आई हैं, एंड द जैकल्स, सियार भी आई हैं, और लास्ट में कौन आता है? एलिफेंट. एलिफेंट भी आया है जिसकी एक बहुत लंबी सी सूंड होती है. ट्रंक मीन्स होती है सूंड. तो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कैमल, कैमल के बाद यहाँ पर फॉक्सेस है, यहाँ पर जैकल्स है, सियार भी हैं, और पीछे सबसे लास्ट में एलिफेंट है. तो ये सभी परेड की तरह से जंगल में उस शो को देखने के लिए जा रहे हैं. दे ऑल केम फॉर द शो, सभी उस शो को देखने के लिए आए हैं. बट द मंकीज हैड टू गो टू सी ए बिग गोरिल्ला ड्राइव ए ट्रक दैट वी कॉल्ड ज़ू. तो जैसे कि बताया है कि फॉरेस्ट के जितने भी एनिमल्स थे उस शो को देखने के लिए आए हैं, लेकिन उसमें से जो मंकीज थे उनको कहीं और जाना था. उनको कहाँ जाना था? उनको देखने जाना था एक बहुत बड़ा गोरिल्ला. वो शो की जगह उस गोरिल्ला को देखने के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे थे. ड्राइव ए ट्रक, और उन्होंने उस ट्रक, एक ट्रक था साथ में, उसको चलाया. दैट ही कॉल्ड ज़ो, और उस ट्रक का नाम था ज़ो. इस तरीके से ज़ो नाम के ट्रक के लेकर जो मंकीज थे वो गोरिल्ला को देखने जाते हैं. यहाँ पर देख रहे हो आप पेड़ पर मंकी बैठा हुआ है, वो इस परेड में शामिल नहीं है. तो वो मंकी जो थे वो उस ट्रक में बैठ के उसको ले जाकर गोरिल्ला को देखने के लिए गए. स्पेशली वो उस शो को देखने के लिए सभी एनिमल्स के साथ नहीं गए. इस तरीके से जितनी भी जो जंगल परेड हो रही थी इस पोयम में यही बताया गया है कि सारे एनिमल्स शो को देखने के लिए गए हैं, लेकिन जो मंकीज थे वो गोरिल्ला को देखने के लिए जाते हैं उस शो को छोड़कर. ओके, थैंक यू सो मच.